हेलो दोस्तों, वायडर चैनल की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि सी पैनल में ईमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना सी पैनल ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम जाएंगे ईमेल सेक्शन में। यहाँ पे ईमेल से काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, तो फिलहाल तो हमें ईमेल अकाउंट्स पर क्लिक करना है। तो मेरे एग्जिस्टिंग होस्टिंग प्लान में मेरे पास 5 ईमेल्स है, जैसे मैं 4 में यूज़ कर चुका हूँ और एक अवेलेबल है अभी भी। अभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे डेमो के लिए। तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको डोमेन सेलेक्ट करना है कि कौन सा डोमेन चाहिए। तो मेरा ये प्राइमरी डोमेन है, मैं इसी को सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप ड्रॉप डाउन से किसी सब डोमेन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देना है यूज़र नेम, जैसे कि कॉन्टैक्ट, तो ये हो जाएगा contact@vaya.com या example@vaya.com। तो ये आपकी मर्जी है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल यूज़ कर रहा हूँ। और पासवर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल 123। यहाँ पे हम स्टोरेज स्पेस दे सकते हैं कि ये कितना कोटा यूज़ करेगा। 2048 MB का मतलब है 2 GB या अनलिमिटेड। चाहे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अनलिमिटेड दे रहे हैं या उसको कोटा बना के दे रहे हैं। तो बस हमें एक ईमेल बनाने के लिए इतनी सी रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पे क्रिएट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक मैसेज आ चुका है कि यू क्रिएटेड ईमेल। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारा ईमेल ये रहा है example@vaya.com। और इसको 2 GB कोटा मिला हुआ है, इसमें से 0 byte यूज है। तो अगर हम इसके मेल चेक करने थे, यहाँ पे चेक ईमेल के मेल चेक करने हो तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो हमें ईमेल को यूज़ करने के लिए यहाँ पे 3 टाइप की एप्लीकेशन मिलती हैं। आप 3 यूज़ कर सकते हैं और जो भी अच्छा लगे आपको सेट एज डिफॉल्ट कर सकते हैं। बट अभी मैं यहाँ पे फर्स्ट वन सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए इस तरह से ये GUI लोड हो जाएगा हमारा ईमेल का। देखिए यहाँ पे एक ऑलरेडी ईमेल आया हुआ है, इसको हम ओपन कर लेंगे यहाँ से। और यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं ईमेल। तो यहाँ से हम ईमेल भेज भी सकते हैं, न्यू कुछ भी बना के, और रिसीव भी कर सकते हैं। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हैं। और जब हमें डिलीट करना हो, हम यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। होप सो ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्या क्लियर नहीं है, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।